आज हम लोग लिटरली में एक ऐसी सोसाइटी में है जो अभी अभी नई स्टैब्लिश हुई है। माना गया है यहाँ पर कोई हाउसमैन है एंड वो जितने भी गरीब लोग हैं ना या जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन सब के लिए यहाँ पर हाउस बना बना कर दे रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, और आज हम उसको अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर जो हाउस है बहुत ही परमानेंटली अच्छी तरह से इक्वल राइट्स पे बनाए गए हैं, एकदम पूरी सुविधा के साथ। मतलब टॉयलेट, बाथरूम भाई, रेस्ट रूम और ड्रॉइंग रूम सब कुछ अवेलेबल है। वो भाई साहब टोनी वो कौन है? अबे फ्रैंकलिन वही तो है, हाउसमैन। हाउसमैन? ओ भाई साहब, अरे वाह, हल तो इससे खुश हुआ। अरे वाह यार, कितना अच्छा है हाउसमैन तो। हाँ भाई, इस हाउसमैन की सबसे अच्छी बात ये है, ये चाहे तो खुद के हाउस को लग्जरी हाउस में बदल सकता है, बट भाई इसका हेड देखो, ये नॉर्मल एक हट मैन की तरह दिखता है। हाँ भाई, इसके हेड पे तो झोंपड़ी है। अरे दोस्तों कैसे हो, मेरा नाम हाउसमैन है, बताओ तुम लोगों को घर की जरूरत है तो मैं तुम्हें एक घर बना के दे दूंगा। अरे नहीं, हमारे पास तो ऊपर वाले की और हमारे दोस्तों की कृपा से घर है, लेकिन यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, हम उनको जरूर लेकर आएंगे और आराम से सोसाइटी में रह पाएंगे। बिल्कुल भाई, हमारी जिंदगी में सुकून और शांति होगी। अरे वाह फ्रैंकी भैया, ये तो बहुत कमाल बात हो गई, मजा आ जाए गए। वाह भाई, अब ये सब क्या चल रहा है यार, ऐसे कैसे चलेगा, अब तो दिक्कत हो जाएगी। अब एवेंजर्स, ओ भाई मेरे को गन चाहिए, मुझे जल्दी से गन दो। क्या बकवास कर रहा है भाई तू, आई मैन ठीक तो है। ओ आई मैन तुझे गन क्यों चाहिए भाई, अरे तू कोई आतंकी बनना चाहता है क्या जो गन मांग रहा है? अबे बस मेरे को मेरी सेफ्टी के लिए गन चाहिए, प्लीज फ्रैंकलिन दे। अरे भाई तेरे को मैं यहाँ पे कोई गुंडा दिखता हूँ क्या, या पुलिस वाला जो गन लेके घूमूंगा? अबे यार तो गन चाहिए मेरे को किसी भी हाथ में। गाइस ये आई मैन पागल हो गया है क्या? टोनी मैं तो बोलता हूँ इसको गन मत देना प्लीज भाई। अच्छा चल ठीक है, मेरे पास गन है, मैं तुझे गन देता हूँ, लेकिन बोले ये बताएगा तू इस गन का करेगा क्या? वापस अपनी सेफ्टी के लिए लूंगा। चल ठीक है भाई। अबे टोनी क्या कर रहा है, उसको गन मत दे, मुझे गड़बड़ लग रही है। अब पागल है क्या, आई मैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दोस्त तो वो मेरा भी है, बट फिर भी मुझे कुछ सही फील नहीं हो रहा है यार। गाइस आप लोग प्लीज कमेंट में नो लिखिए ना, टोनी से बोलिए ना भाई ये इससे गन वापस ले। अबे नहीं फ्रैंकलिन लेने दे इसको गन। गाइस प्लीज नो लिखिए कमेंट में, बता कौन सी गन चाहिए तेरे को। अब यही वाली चाहिए। अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला है भाई, अब तुमको एक जादू दिखाऊंगा। अरे ये क्या कर रहा है तू आई मैन, मेरे घर की तरफ क्यों इशारा कर रहा है? अब क्या कर रहा है मैन, ये कर दिया तूने? ओ माय गॉड, इस आयमैन के बच्चे ने यहाँ पर एक हाउस को गोल्डन एग में कन्वर्ट कर लिया। अब ये तो कुछ भी नहीं है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये असली जादू होगा। 1 2 अबे क्या करेगा? ओ भाई साहब ये कहाँ पर गया, गायब हो गया क्या वो? नहीं दोस्तों उसको देखो, थोड़ा दूर जाके देखो तब दिखेगा, वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ओ भाई साहब, अब मैं तो बन गया ऑल फादर गॉड आयमैन, क्या बात है। तुम लोग इस हाउसमैन को कुछ ज्यादा इज्जत दे रहे थे, मेरे से वो इज्जत पच नहीं रही थी, मेरे से झिल नहीं रही थी, अब मेरे पास सोल चुराने की एबिलिटी आ चुकी है। क्या 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 सोल चुराने की? फ्रैंकलिन ये कैसी बातें कर रहा है? गाइस हमें यहाँ से जाना चाहिए, अबे एवेंजर्स भागो यहाँ से जल्दी। क्या हो गया आई मैन, भाई तू पागल हो गया क्या? अब इस दुनिया के जितनी भी सोल्स हैं मैं उन सबको यहाँ पर अपनी सोल ट्रेनिंग एक्टिविटीज से वापस ले लूंगा, जैसे कि तुम लोगों को हिप्नोटाइज करता हूँ सबसे पहले। अबे अबे टोनी उसकी आंखों में देख भाई, वो हम सबको हिप्नोटाइज कर देगा। गाइस कोई प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। ओ नो ये सब क्या हो रहा है, ओए मार दिया, ये तो हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकाल रहा है। पिंकी भैया मैं चाहिए नहीं। गाइस प्लीज कोई जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब, मुझे यहाँ पे सबको बचाना पड़ेगा। ओ माय गॉड ये सब क्या हो गया, मैंने टोनी को पहले मना किया था, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे, मैं यहाँ पर आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं खड़ा क्यों हूँ, उसने पक्का हमको प्रोटेस्ट किया है। गाइस ये सब कुछ सच नहीं है, ये सब झूठ है, कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज उठ जाओ, पक्का उसने प्रोनाउंस किया है, प्लीज कह दो कि ये सब झूठ है, बस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तुम लोग मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हाउसमैन प्लीज बचा ले मेरे भाइयों को, लेकिन अब क्या हो गया टोनी, टोनी हमें से जाना होगा, तो क्या कर रहा है यहाँ पर? फ्रैंकलिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, गाइस ये सब के सब यहाँ पे हिप्नोटाइज हो चुके हैं, ये हिल भी नहीं रहे, शायद मैं ही इकलौता बचा हूँ, मैं क्या करूँ, इन सबको कैसे बचाऊँ? फ्रैंकलिन चिंता मत कर, ये ले सुपर रैपिड हाउस अटैक। अब क्या कर रहेगा इन टूटे फूटे घर से, इसने खराब घर है, इसमें तो गरीब लोग भी सही से ना रह पाए। फ्रैंकलिन हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो ये हमें भी हिप्नोटाइज करके मार देगा, जैसे इसने बाकी एवेंजर्स को मारा है। I'm sorry, मेरे भाइयों। फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे, मुझे खुद रोना आ रहा है, ये सब क्या हो गया? Oh no, काश सब कुछ ठीक हो पाता, लेकिन यहाँ पे भागने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अरे बाप रे, सब बर्बाद हो गया। Oh my God, एक मिनट, वो हाउसमैन कहाँ पर गया? हाउसमैन मेरे भाई तू ठीक तो है? फ्रैंकलिन मैं इधर हूँ मेरे भाई, मेरे अंदर ज्यादा ताकत नहीं बची है, उस खतरनाक आई मैन से लड़ने के चक्कर में मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज कर लिया है। ओ भाई साहब वो कितना बड़ा है गाइस, टाइटन आई
स्क्वाड मैन, आई मैन, पता नहीं क्या बन गया है वो। अब हम उसको कैसे हराएंगे मेरे भाई? क्या तू यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन, हटमैन या फिर हाउसमैन बन सकता है? फ्रैंकलिन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी एबिलिटी अब पूरी तरह से यूज हो चुकी है। मेरे बंदर तो इतनी एनर्जी भी नहीं है कि मैं तुझे यहाँ पर हाउसमैन बना पाऊँ। व्हाट? लेकिन अगर तू कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो कौन करेगा? कौन इस दुनिया को बचाएगा? तेरे दोस्त बचाएंगे। अपने दोस्तों से जल्दी से कमेंट में हाउस स्पैम करा, हाउस जल्दी से। गाइस, हमें बहुत सारे हट की और हाउस किसकी जरूरत है। कमेंट में जल्दी से हाउस वाली इमोजी या हट वाली इमोजी जल्दी से स्पैम कीजिए। आई नीड योर हेल्प मेरे दोस्तों, जल्दी से जितना ज्यादा कमेंट हो उतनी ज्यादा कीजिए, कम ऑन। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, लगता है तेरे दोस्त तेरी बात सुन रहे हैं। बल्ले बल्ले, यहां पर मेरी तरफ बहुत सारे हाउस और हट आ रहे हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी की वजह से। यहां पर देखिए मेरी जो बॉडी है वो वापस से, ओ बॉय साहब, मैं तो गोल्डन हाउसमैन बन गया। मेरे भाई फ्रैंकलिन, मेरे अंदर बहुत ज्यादा कम एनर्जी है। गाइस, आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा हट एंड हाउसेज स्पैम करते रहना, जिससे कि मेरा दोस्त यहाँ पे जिंदा रहे। हाउसमैन तू चिंता मत कर, मैं यहाँ पे वापस आऊंगा, मैं यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हाउसमैन बन के आऊंगा। गाइस, ये ब्लड कहाँ से आया? अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी पता चला है कि जायंट रेड आई मैन ने लॉस सैंटोस के लोगों को कुछ हिप्नोटाइज कर दिया है। हिप्नोटाइज करने के बाद वो उनको सीधा माउंट चिलियर्ड ले गया है। लगता है वो उन सबसे आत्महत्या कराएगा और अपना फायदा यूज करेगा। कोई भाई क्या है उनको? ओ भाई साहब, तभी सोचिए ब्लड क्या कर रहा है यहाँ पे। गाइस, हमें जल्दी से लॉस सैंटोस से बाहर जाके माउंट चिलियर पहुंचना होगा। ये रहा, अबे चलो सबके सब यहाँ पर एक एक करके मरो। ये सबके सब यहाँ पे हिप्नोटाइज हो चुके हैं, मेरा बड़ा भाई खुश हो जाएगा पक्का। गाइस, ये आई मैन की आर्मी है। मैंने सोचा रियल वाला आई मैन है, बट नहीं, ये तो आई मैन की आर्मी है भाई। ये क्या हो रहा है? ये सब यहाँ से अगर कूदे तो मारे जाएंगे, यहाँ के बाद बचना इम्पॉसिबल है। ओ भाई साहब, मैं क्या करूँ? गाइस, मुझे किसी भी हाल में, अरे मैं मर जाऊंगी, मेरा मरना ही अच्छा है। बहुत बढ़िया, मरो मरो मरो, तुम लोगों को जीने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। पॉपुलेशन कम होगी तो यहाँ पर यूसेज कम होगा और दुनिया में सुकून और शांति से बचे हुए लोग जी पाएंगे। ये क्या बकवास कर रहा है? ओ हेलो आई मैन, यहाँ पर जितने भी ह्यूमंस उनको छोड़ दे। गाइस, मेरे पास रहो, तुम लोग इस तरह से नहीं मर सकते, अपनी जिंदगी इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते। तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे पीछे, उनका क्या होगा? अरे भैया, हमारी फैमिली भी हमारे साथ है, हम सब साथ में मरेंगे। क्या पूरी की पूरी फैमिलीज यहाँ पे मरने जा रही हैं? अरे बिल्कुल, और तू कौन होता हमको रोकने वाला है? अबे तू फटीचर हाउसमैन बच्चे, चल हम तो बड़े वाले हाउसमैन को हरा दिए, तू कौन है? मेरा घर जला दिया इसने भाई, विनाश कर दिया मेरा। अरे मजा ही आ गया, चलो सबको गिराओ और मारो उनको। ए, चलो कूदो। नहीं कूदोगे तो हम तुमको गिराएंगे। अच्छा भैया मार गया, आजा क्रैप कर दी। ओ बॉय साहब, गाइस आई नीड योर हेल्प प्लीज, कमेंट में जल्दी से यहाँ पर हाउसमैन ओपी लिखिए। मैं यहाँ पर खुद के लिए एक बहुत बड़ा हाउस स्पाउन करना चाहता हूँ। अगर आप हाउसमैन ओपी लिखेंगे या फिर हाउस की इमोजी स्पैम करेंगे कमेंट में, तो यहाँ पर मेरे को एक बड़ी सी झोपड़ी हाउस मिल जाएगा। कम ऑन गाइस, जल्दी कीजिए, हमारे पास बहुत ही कम समय है। गाइस देखिए, ये जो रेड आई मैन है और इसकी जितनी भी आर्मी है, इन सभी ह्यूमंस को मार रही है। यहाँ पर मेरे को जल्दी से कुछ का कुछ करना पड़ेगा। वाह क्या बात है, लेट्स गो, हमने सच में कर डाला, इतने बड़े बड़े हाउसेस हम स्पॉन कर पा रहे हैं, जिस वजह से मैं इन सब पे अटैक कर रहा हूँ। सुपर रैपिड जायंट हाउस अटैक, लेट्स गो भाई, मजा आ गया। गाइस, ये सब आप सभी की वजह से हो पा रहा है, वरना मैं इनको नहीं हरा पाता। व्हाट? ओह माय गॉड, वाह गाइस, हमें यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी छोटी सी, मतलब छोटी तो नहीं यार, बड़ी झोंपड़ी है, मतलब एक जैसे इसमें ह्यूमंस रह सकते हैं। देखिए झोंपड़ी मिल चुकी है भाई। चलिए एक काम करते हैं, जल्दी से ना इसको अपने हेड पर अटैच करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं गाइस क्या पता हम यहाँ पर एक जायंट हाउसमैन बन जाएं। तो गाइस 3, 2, 1, मैं तो डायमंड जायंट हाउसमैन बन गया भाई, मजा आ गया। चलो गाइस जल्दी जाकर देखते हैं और चेक करते हैं वो सबके सब ह्यूमंस ठीक तो है ना। मैंने वैसे टाइम पर यहाँ पर अटैक कर दिया था उस आई मैन की आर्मी पे, तो यहाँ पर वो ह्यूमंस ठीक ही होंगे। अरे भैया बहुत शुक्रिया हटमैन, तुमने हमारी बहुत मदद की। अरे तुम्हारे बहुत शुक्रिया। अरे भैया हमें तुम कुछ बताना चाहते हैं, असल में जल्दी जाओ, पास में एक बहुत बड़ा बीच है, वहाँ पर कुछ इसके बड़े इसके पास बहुत बड़ा घर है, उस घर को यहाँ पर वो इधर उधर ले जाते रहते हैं, तुम चाहो तो उसको अपने हेड पे लगा के दुनिया के सबसे बड़े हाउसमैन बन सकते हो भैया। क्यों सच में? अरे बिल्कुल, जल्दी पूरी स्पीड में जाओ। गाइस इन्होंने बताया आसपास में कोई बीच है, बीच तो मुझे दिख रहा है सामने वो रहा, और वहां पे कुछ इसके बड़े इसका बहुत बड़ा घर है, और वो घर चलता फिरता है, मतलब उस घर में पहिए लगे होंगे आई थिंक टायर्स, तो वो मूवेबल घर को मैं अपने हेड पे अगर लगा लूंगा तो मैं यहाँ पे वेरी जायंट हाउसमैन बन सकता हूँ। और उसके बॉडी, इसके बॉडी, हमारा घर बहुत ही ज्यादा गीला हो रहा है, इस बीच पे लेके चलो उसको। नहीं, अब तो ये घर मेरे पास है, इसके बड़े इसके बच्चों, अब इसके बड़े
ये क्या, ये एक और हाउसमैन कहाँ से आ गया, ये दो दो हाउसमैन कहाँ से हो गए? और इसकी मणि, इसकी मणि, अभी हमने एक हाउसमैन को ठिकाने लगाया, दूसरे को भी लगाना पड़ेगा। नहीं, इन्होंने कहीं मेरे भाई हाउसमैन की बैंड तो नहीं बजा दी? गाइस, मुझे जल्दी इनकी बैंड बजानी पड़ेगी। और इसकी मणि, इसकी मणि मारो। अरे हाँ, इसकी बड़ी, इसकी बड़ी, यहाँ पर इस डायमंड हाउसमैन को पीटो और इसके डायमंड मार्केट में भेज दो, करोड़ों रुपए में बेचेंगे। गाइस, ये लोग जानते नहीं है। इसके बड़े, इसके बड़े, पहले हम तेरी बॉडी में से डायमंड निकालेंगे, उसके बाद तेरा घर यहाँ पर जला देंगे। बढ़ाया इसके बड़े, इसके बड़े, मिट्टी का घर लेके डोल रहा है इसके बड़े, इसके बड़े, क्या हो जाएगा तेरे साथ? ओ भाई साहब, मैं लोगों को छोड़ने नहीं वाला हूँ। अभी बताता हूँ तुम लोगों को, मैं एक सुपर हाउस मैन हूँ, क्या पता मैं सुपर हाउस लेजर एक्सप्लोजर अटैक करूंगा। ओ माय गॉड, वाह, एक एक्सप्लोजन में सारे इसके बड़े और जितने भी एनिमीज थे वो सब के सब गायब हो गए। अभी गाइस, ये जो बड़ा वाला घर है, हम इसको अपने हेड पे लगा के देखते हैं, देखते हैं क्या मैं अपने भाई हाउसमैन से भी ज्यादा बड़ा हाउसमैन बन पाऊंगा। ट्राई करना पड़ेगा यहाँ पर। ऑलराइट दोस्तों, मैंने यहाँ पर हाउस एक्टिवेशन मोड ऑन कर दिया है। अब बहुत जल्दी जो बड़ा वाला हाउस है वो मेरे हेड पे लगने वाला है, और देखते हैं क्या करना पड़ेगा। और मेरे भाई अपने हाउसमैन को भी मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये लोग बोल रहे थे उन्होंने मेरे हाउसमैन भाई को ठिकाने लगा दिया, कुछ तो गड़बड़ है गाइस। ओ भाई साहब, ये क्या, वाह, अब तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली उड़ भी सकता हूँ, क्या बात है। चलिए गाइस, अब जल्दी जाते हैं और जाकर सीधा उस टाइटन आई मैन की बैंड बजाते हैं और अवेंजर्स को बचाते हैं। अवेंजर्स को अभी भी पक्का उसने हिप्नोटाइज कर रखा होगा और अपने पास रख रखा होगा। देखिए गाइस, वो रहा टाइटन आई मैन, भाई साहब अभी भी ये वहीं खड़ा है, पता नहीं क्या कर रहा है। उस हाउसमैन के बच्चे ने मेरी आर्मी के साथ सही नहीं किया, अब तू आ गया इधर मेरे सामने मर रहे, बिल्कुल सही का। और अब मैं एक वेरी जायंट डायमंड हाउसमैन बन चुका हूं, मैं यहां पर सुपर डायमंड एक्सप्लोजन करूंगा, अब तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। और आज सुन, मेरे पास तेरे लिए एक्सप्लोजन है, तू सोच रहा होगा तेरा दोस्त और तेरा भाई हाउसमैन कहां गया। एक मिनट, तुझे कैसे पता उसके बारे में? हां, मैं तुझे चांस से मार दूंगा, सुपर हाउस लेजर अटैक, नीचे जाकर देख, सब पता चल जाएगा। गाइस क्या चल रहा है, मुझे तो यहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो, ये क्या, अरे अरे हाउसमैन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा। ये कैसी बातें कर रहा है भाई, तो तू मेरा दोस्त है, तू याद है तू कैसे गरीबों की मदद करता था? लगता है गाइस इसको भी हिप्नोटाइज कर लिया, पक्का उन स्किबडीज ने हाउसमैन को यहाँ पर इस खतरनाक आईमैन के पास हवाले कर दिया होगा। ये तू मरेगा फ्रैंकलिन, अब तू मरेगा। नहीं गाइस, मुझे अपने दोस्त को बचाने के लिए और सबको बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन हाउसमैन बनना पड़ेगा। अरे बेटा मेरी बात सुन, हम सभी लॉस सेंटोस के अमीर और गरीब लोगों ने मिलकर अपना पैसा मिलाकर दुनिया का सबसे बड़ा घर तेरे लिए बनाया है। अरे हाँ भाई बिल्कुल, क्या, लेकिन वो घर इतना बड़ा है कि लॉस सेंटोस में आ नहीं सकता था, इसलिए हमने उस घर को एक ग्रेविटी लेस तरीके से बनाया है और आसमान में बनाया है। ओ भाई साहब, एक ऐसा हाउस जो ग्रेविटी लेस है, मतलब जो काइंड ऑफ हवा में भी रुक सकता है, वाह। तो गाइस क्यों ना इस वाले घर को, इस हट को अपने हेड पे लगाएं और दुनिया के सबसे बड़े टाइटन हाउसमैन बन जाएं। बिल्कुल बच्चे, और जाके सर्वनाश कर दे उस इविल आईमैन का। ऑलराइट, इसके कहते हैं अब टक्कर का मुकाबला भाई। अब तू मेरी टक्कर पे आई नहीं, समझा, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। गाइस एक काम करो, आप लोग जल्द से जल्द यहां पर बॉम्ब की इमोजी स्पैम करो, जितनी ज्यादा बॉम्ब की इमोजी स्पैम करोगे मैं यहां पर एक सुपर वेरी टाइटन लेवल का बॉम्ब हाउस इसके हेड पे करूंगा स्पाउन, और इसको करूंगा ब्लास्ट। लेट्स गो, बॉम्ब हाउस था भाई। ऐसे घर में तो भाई मैं अपने दुश्मन को भी ना भेजूं, बट ये मेरे लिए दुश्मन से भी बड़ा था, इसलिए मैंने इसकी बैंड बजाई। बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।